जयपुर से दिखा रहे हैं, जहां बीजेपी का विधानसभा कूच हुआ है। यहां प्रदर्शन करते हुए नजर आ रही है बीजेपी। ये तस्वीरें जो आप देख सकते हैं यहां कि पुलिस प्रशासन भी यहाँ मुस्तैद है, यहां पर कोई भी ऐसी घटना ना हो सके जिससे कि किसी को नुकसान हो। यहां पर पुलिस बल, पुलिस जाब्ता यहाँ मौजूद है, देख सकते हैं आप यहाँ पर। और आपको बता दें कि यहाँ बीजेपी के नेता मौजूद हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद हैं, जो कि लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि बड़ी संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ता और नेता यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पर। साथ ही आपको बता दें कि यहाँ महिलाएँ भी इस प्रदर्शन में मौजूद हैं, तो पुरुष एक तरफ और महिलाएँ एक तरफ, दोनों ही प्रदर्शन के दौरान मौजूद हैं। तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि यहाँ पर एक तरफ पुलिस जाब्ता भी मौजूद हैं। तो देख सकते हैं जहाँ प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, यहाँ पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के भी प्रदर्शन हो रहा है। तो साथ ही साथ यहाँ पर जिस तरीके से लंबी बीमारी लगातार फैलती हुई नजर आ रही है, गायों की मौत हो रही है, उसी को लेकर के यहाँ पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं विशाल, उनसे जाने की कोशिश कर लेते हैं। विशाल, ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं जयपुर से, जो लाइव तस्वीरें हैं, यहाँ पर लगातार प्रदर्शन हो रहा है, बीजेपी कार्यकर्ता जो है सड़क पर उतर आए हैं, क्या कुछ देखने को मिल रहा है? और देखिए, जिस तरह से राजस्थान में लंपी का कहर जारी है, लाखों गाय संक्रमित हैं और हजारों गायों की मौत हो चुकी है। ऐसे में राजस्थान सरकार की आंख खोलने के लिए आज विपक्ष और भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के नेतृत्व में यहां पर आज एक तरह से कहें कि विधानसभा कूच की तरफ एक तरह से कहें कि ऐलान किया गया था। और उसी के सिलसिले में अब से जो थोड़ी देर पहले बीजेपी मुख्यालय से जो एक रैला विधानसभा के लिए निकला था, उसको 22 गोदाम सर्किल पर रोक दिया गया है, जहां पर 30 का कश्मीर अपनी तस्वीरें आपस में की तस्वीरें आप एक्सक्लूसिव का इंडियन के दर्शक देख सकते हैं। और साथ ही राजस्थान में जिस तरह से क्राइम का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, लगातार ऐसे में इन तमाम मुद्दों को लेकर जब विधानसभा सत्र चल रहा है, तो उस बीच विधानसभा सत्र के बीच विपक्ष है वो कहीं ना कहीं सरकार को चौतरफा घेरने के लिए कहें कि पूरा रोड मैप प्लान तैयार किया था, और उसी के तहत जो विधानसभा की पुलिस की तस्वीरें देख सकते हैं, पुलिस के एक्शन कहेंगे, पुलिस के तमाम जो अलग अलग बल हैं, अलग अलग स्थितियां हैं, वो इन इकट्ठाओं को रोकने का भरसक प्रयास किया जा रहा है। त्रिस्तरीय सूच का घेरा बनाया गया है, उसी को देखते हुए यहाँ पर जो तमाम पुलिस के तमाम जो जवान हैं, पुलिस अधिकारी है, वो खुद ग्राउंड जीरो पर तैनात हैं। लगातार तस्वीरें इस तरह से कहें कि लोगों में बीजेपी कार्यकर्ताओं में जोश है, और उसी को देखते हुए ये लोग एक जोश के साथ इन तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने के प्रयास में यहाँ पर पहुंचे हैं और अपनी आवाज मुखर कर रहे हैं। हाथों में चक के लिए स्वर जो प्रदर्शन के तहत एक ही आवाज अपनी आवाज को है वो बुलंद कर रहे हैं। जी जी विशाल, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से एक तरफ महिला को लेकर के भी यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है, उनकी सुरक्षा को लेकर के प्रदर्शन हो रहा है, और लगातार लंपी बीमारी फैलती हुई नजर आ रही है, और ये भी कहा जा रहा है कि गायों के लिए कुछ नहीं हो रहा है, इसको लेकर के भी यहाँ प्रदर्शन हो रहा है। और ये जो तस्वीरें हैं काफ़ी ज़्यादा डराने वाली जो तस्वीरें हैं कि ज़्यादातर ज़्यादा संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ता और नेता मौजूद हैं। विशाल, काफी समय से बेहतर से कहने की भारतीय जनता पार्टी इस तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने को लेकर किसी की प्रयास कर रही थी। इसके बाद ऐसी कही कि आप तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं, यहाँ पर पुलिस के साथ तनावपूर्ण तस्वीर एक बार फिर देखने को मिले, वहाँ पर ज्यादा तने तने का माहौल है वो यहाँ पर अपने को देखने को मिल रहा है। किस तरह से जब कार्यकर्ता एक्शन कहे कि बैरिकेड के ऊपर चलने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन उसके बाद जैसे ही पुलिस ने रूप अपना अपनाया, सफर अपनाया, उसके बाद कहीं ना कहीं अब तस्वीर है वो अब यहाँ पर माहौल एक बार फिर से शुरू हो चुका है। तस्वीर के माध्यम से कैसे भी करके यहाँ पे बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता है वो आगे बढ़ने का महिला है और तस्वीर को हुआ है हमारे यहाँ पर दिख रहा है। किस तरह से आप तस्वीरें देख सकते हैं, तनातनी का माहौल है और तमाम जो कार्यकर्ताओं को इसको देख सकेंगे, पुलिस की ओर से खदेड़ा जा रहा है, रोका जा रहा है, महिला कार्यकर्ता भी काफी आक्रोशित है, और वो भी एक तरह से कहें कि जो पुलिस की जो महिला बटालियन है वो उनको रोकने का व्यक्त प्रयास कर रही है। ये तस्वीरें एक तरह से कहें कि राजस्थान सरकार, कांग्रेस सरकार को
घेरने का प्रयास है और जैसे भी करके जो विधानसभा तक पहुंचे जो भी कार्यकर्ता है कैसे भी करके मार्च दौरान कर्फ्यू को भी प्रयोग किया जाए और इन्हीं वर्षों के प्रति प्रयास में जो कार्यकर्ता है उग्र है और कैसे भी करके जो तमाम लोगों को लेकर क्योंकि जिस तरह से लंबी लड़ाई का खेल राजस्थान में देखने को मिलता है ऐसे में इस मुद्दे पर सरकार का ध्यान सरकार ध्यान जीरो करता है घोटालों का हवा करते हैं लेकिन यहाँ के सरकार के जो कहने के मुख्यमंत्री हो तमाम गौरव प्रति एक हालात को पाए जा सकती है हुआ है ऐसे में कहीं ना कहीं विपक्ष के मुद्दे को गुनाने में जुटा हुआ है अगले साल चुनाव हो और कुछ मुद्दों में कहीं ना कहीं ऐसे जो सफल जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं इन मुद्दों को लेकर सरकार मौके से घेर सके जैसे उसकी आलोचना कर सके इसी को देखते हुए आज ये प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है और तमाम जो कार्यकर्ता जो प्रदेश भर से यहाँ पर जुटे हुए हैं तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने को लेकर अपनी आवाज है बुलंद कर रहे हैं सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और तमाम जो स्लोगन लेकर शक्तियाँ हैं वो हाथों में लेकर यहाँ पर पहुंचे जी जी विशाल आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है और आप ये भी खबरें सामने आ रही है कि यहाँ विधानसभा का जो सत्र चल रहा था उसमें भी यहाँ पर हंगामा देखने को मिला और लगातार ये हंगामा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है हालांकि पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद है वहीं आपकी क्या किसी कार्यकर्ता से बात हुई है वो क्या कुछ कह रहे हैं देखिए टोटल पर घेरने का प्लान है क्योंकि जब विधानसभा सत्र चल रहा था तो भी बीजेपी एक तरह की सरकार को घेरने की पूरी प्लानिंग थी और उसके बाद अब यहाँ पर सड़कों पर उत्तर विधानसभा बूथ का जो प्लान किया गया था इसके तहत यहाँ पर सड़कों पर वो तमाम जो कार्यकर्ता है वो उत्तर जी जी विशाल आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से घेराव हो रहा है यहाँ पर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम है और यहाँ पुलिस प्रशासन जिस तरीके से मैं देख पा रही हूँ कि लाठी भी लिए हुए हैं हालांकि आगे क्या कुछ देखने को मिल सकता है देखिए जो जैसा माहौल है अभी जी माहौल लग रहा है यहाँ पर तनावपूर्ण स्थिति लगी है उससे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं जब कार्यकर्ता ज्यादा आकर्षित होंगे तो शायद पुलिस बल प्रयोग भी कर सकती है हालांकि ऐसी स्थिति अभी तक नहीं बनी है लेकिन यदि कार्यकर्ता उग्र होते हैं तो शायद यहाँ पर पुलिस का रुख एक तरह से कहें कि प्रखर होगा और उसके बाद तमाम कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस क्योंकि यहाँ पर अलग अलग पुलिस के जवान टुकड़े तैनात है उसके अलावा एक तरह से कहें कि यहाँ पर तमाम जो बल है वो यहाँ पर तैनात किए जाएंगे यदि यहाँ पर पुलिस जो ग्राउंड पर जो पुलिस है उनसे यदि जो तैनात है उनसे यदि काबू कार्यकर्ता नहीं आते फिर आगे की ओर वो अपना कूच करते हैं तो कहीं ना कहीं पुलिस थोड़ा अपना रवैया में थोड़ा बदलाव करेगी और उनको रोकने का एक तरह से जी जी विशाल आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि लगातार जो तस्वीरें हैं काफी ज्यादा भयावह ये तस्वीरें क्योंकि एक के बाद एक 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 झुंड सा बनता हुआ नजर आ रहा है जो अब तक हम तस्वीरें जो देख रहे हैं यहाँ पर पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद है हालांकि और भारी तादाद में यहाँ पर लोग भी उपस्थित हुए हैं और लगातार नारेबाजी भी हो रही है और कानून की अगर बात की जाए तो बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था को लेकर के भी यहाँ पर हल्ला बोला जा रहा है बीजेपी की तरफ से बिल्कुल क्योंकि राजस्थान में कानून व्यवस्था का हाल किस कदर है एनसीआर के आंकड़े बताते हैं कि अव्वल दर्जे पर यहाँ पर कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है क्योंकि लगातार फायरिंग की घटनाएं कल भी नागौर में देखने को मिली उदयपुर में तमाम जगहों पर इस तरह की घटनाएं देखने के लिए बेहद कुछ घटनाएं यहाँ पर बढ़ती जा रही है ऐसे में जी जी विशाल जी जी बिल्कुल विशाल इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया तो ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये लाइव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं जयपुर से और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज़ के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं जो आपको दिखा रहे हैं बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर के भी प्रदर्शन हो रहा है महिलाओं के लिए भी प्रदर्शन हो रहा है कि यहाँ महिलाओं की जो व्यवस्था है महिलाओं की जो सुरक्षा है उसको लेकर के यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है साथ ही साथ यहाँ पर आपको बता दें कि लंपी वायरस जिस तरीके से फैलता हुआ नजर आ रहा है उसको लेकर के भी यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है और ये जो तस्वीरें हैं बैरिकेडिंग्स भी लगाए गए हैं जिससे कि ये जो हंगामा है ये ज़्यादा ना
सके इसको लेकर के बैरिकेडिंग्स भी लगाए गए हैं, पुलिस जाब्ता यहाँ पर मौजूद है। और देख सकते हैं आप कुछ लोग ऐसे भी हैं, कुछ कार्यकर्ता जो है बैरिकेडिंग के भी ऊपर बैठ गए हैं। ये देख सकते हैं आप तस्वीरों में, लाइव तस्वीरें इस समय की आप तक पहुंचा रहे हैं, जो कि इतना रोष देखने को मिल रहा है, ये इतना बड़ा प्रदर्शन हो रहा है कि बैरिकेडिंग्स के ऊपर भी चढ़ते हुए नजर आ रहे हैं कार्यकर्ता। तो ये देख सकते हैं आप तस्वीरों में कि यहाँ पुलिस जाब्ता मौजूद है, बैरिकेडिंग लगाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन यहाँ पर बैरिकेडिंग के ऊपर ही चढ़ते हुए नजर आ रहे हैं कार्यकर्ता। ये तस्वीरें जो कि लाइव तस्वीरें इस समय की आप तक पहुंचा रहे हैं इंडिया न्यूज की तरफ से, एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख सकते हैं आप, जहां राज्य सरकार के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोला जा रहा है। तो बीजेपी का हल्ला बोला जा रहा है, यहां पर देख सकते हैं बैरिकेडिंग्स लगाए गए हैं। लाइव तस्वीरें इस समय की, जहां बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर के यहां पर प्रदर्शन हो रहा है, बैनर्स भी हैं लोगों के हाथों में। और देख सकते हैं एक तरफ जहां पुलिस प्रशासन मुस्तैद है, दूसरी तरफ प्रदर्शनकारी मुस्तैद है। देख सकते हैं दोनों के बीच ही यहां बैरिकेडिंग, एक जो लोग हैं जो कार्यकर्ता है बैरिकेडिंग को हटाने की कोशिश कर रहे हैं, और पुलिस जो है एक तरफ बैरिकेड लगाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि कोई भी ऐसा हंगामा ना हो सके, किसी को कोई नुकसान ना हो सके। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं इंडिया न्यूज की तरफ से, देख सकते हैं आप जोरदार हंगामा हो रहा है। तो बीजेपी का ये विरोध प्रदर्शन, राज्य सरकार के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोला जा रहा है। ये तस्वीरें जो कि काफी भारी संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ता मौजूद हुए हैं बीजेपी के, और बीजेपी का ये प्रदर्शन, हाथों में झंडा भी लिए हुए हैं बीजेपी का, और प्रदर्शन हो रहा है, साथ ही साथ बैनर्स भी लिए हुए हैं। हालांकि यहाँ पर लंपी वायरस जिस तरीके से लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, किसी ने कुछ सुध नहीं ली है, और कोई भी दवाइयां ऐसी नहीं भेजी गई हैं गायों के लिए जिससे कि गाय ठीक हो सके। लगातार ऐसे केसेस आ रहे हैं, लगातार लंपी वायरस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, उसको देखकर यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। अरे मेक जयपुर से लाइव तस्वीरें, जहां बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर के प्रदर्शन हो रहा है। प्रदेश अध्यक्ष वीडियो ले, एक वीडियो शूट कर ले, फिर मुझे देखो। ठीक है, ले मुझे दिखा दे, मुझे दिखा दे। हाँ, आराम से, आराम से। ठीक है, आराम से, यहीं सही है, यहीं सही है, निर्मल सही है, है? अरे जल्दी कर लो यार, आजा इधर, आजा इधर, आजा इधर, आजा इधर, आजा। आ रही आवाज, आ रही आवाज, आ रही है, इधर आजा, इधर आजा, जल्दी कर लो, उधर चलते हैं, उधर 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 चलते हैं। फिर हम आपको दिखा रहे हैं राज्य सरकार के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल है। जयपुर से देखिए तस्वीरें आप, बड़ी संख्या में इस वक्त
बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता मौजूद हैं। आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के नेतृत्व में भाजपा कार्यालय से विधानसभा का घेराव के लिए कूच किया गया था और इसी को लेकर आपको बता दें कि बैरिकेडिंग की गई है, आगे बढ़ने से रोका जा रहा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इंडिया न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। आपको बता दें कि बड़ी संख्या में इसमें पार्टी के तमाम कार्यकर्ता मौजूद हैं। इस दौरान आपको यह भी बता दें कि कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प की भी खबरें सामने आई हैं। फिलहाल आपको बता दें कि लगातार कानून व्यवस्था को लेकर, लंपी वायरस को लेकर, तमाम मुद्दों को लेकर यहां पर विपक्ष ने सरकार को आज घेरने का मन बनाया है और ये तस्वीरें भी इस बात की तस्दीक कर दी है किस तरीके से जो तमाम कार्यकर्ता है वो सड़कों पर उतर आए हैं। अक्षय हमारे जायसवाल, हमारे संवाददाता इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। अक्षय, फिलहाल आपके पास क्या अपडेट है, अब आगे क्या होगा? क्योंकि 3 घंटे पहले कूच की गई थी, पुलिस से झड़प की खबरें भी आई हैं। सतीश पूनिया के नेतृत्व में ये तमाम जो कार्यकर्ता हैं इस वक्त सड़कों पर उतर आए हैं। अपडेट अक्षय। तो आपको बता दें बड़ी खबर, इस वक्त राज्य सरकार के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल, तमाम कार्यकर्ता इस वक्त आपको बड़ी संख्या में जयपुर में दिखाई दे रहे हैं। आपको ये बता दें कि ये तमाम जो कार्यकर्ता हैं वह विधानसभा का कूच करने के लिए पहुंचे थे, पुलिस से झड़प भी इनकी हुई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के नेतृत्व में ये आज तमाम कार्यकर्ता इस वक्त बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं सतीश पूनिया, इनके नेतृत्व में विधानसभा का कूच करने के लिए पहुंचे, पुलिस से झड़प भी हुई है, बैरिकेड किया गया है, बैरिकेडिंग लगाकर इन तमाम कार्यकर्ताओं को रोकने का प्रयास किया गया है। तो फिलहाल जो खबरें आ रही हैं वो ये भी हैं कि फिलहाल जो कार्यकर्ता हैं उनकी पुलिस से झड़प भी हुई है। इससे पहले आपको बता दें, देखिए ये सभा को संबोधित करने का जो वीडियो है वो वायरल हुआ और इस तस्वीरों के जरिए आप समझ पाएंगे किस तरीके से सतीश पूनिया जो है कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन करते नजर आए हैं। आज भारतीय जनता पार्टी जो राजस्थान में विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं वो सड़कों पर उतरी है। बीजेपी कार्यालय से लेकर यहाँ पर विधानसभा की ओर कूच किया गया है और उससे पहले 22 गोदाम सर्किल पर ही तमाम जो कार्यकर्ताओं को एक तरह से कहें कि यहाँ पर रोक दिया गया है। पुलिस के बीच भिड़ंत की तस्वीरें आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। तो लगातार इंडिया न्यूज पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जरा आप नजर दौड़ाइए, जहां आप देखेंगे वहां सिर्फ तमाम कार्यकर्ता आपको हाथों में बीजेपी के झंडे लिए हुए नजर आएंगे। पुलिस वाले जो हैं बैरिकेड्स के ऊपर खड़े हुए हैं, पूरी कोशिश की जा रही है इन तमाम कार्यकर्ताओं को विधानसभा का घेराव करने से इन्हें रोका जाए। तो बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर, लंपी वायरस को लेकर, इन तमाम चीजों को लेकर, तमाम मुद्दों को लेकर आज विपक्ष सड़क पर उतर आया है। जो कांग्रेस बीजेपी अध्यक्ष हैं सतीश पूनिया, उनके नेतृत्व में भाजपा कार्यालय से विधानसभा घेराव के लिए कूच किया गया और ये तस्वीरें आपके सामने हैं किस तरीके से, जहां आप देखेंगे, जहां आप नजर दौड़ाएंगे सिर्फ बीजेपी के ही कार्यकर्ता आपको नजर आएंगे। उस बीच आपको बता दें कि तमाम बातें सतीश पूनिया ने संबोधन करने से पहले सभा को जब संबोधित किया था उन्होंने कई बातें कही थी। कहा क्या कि 2023 में कांग्रेस पार्टी का परमानेंट श्राद्ध हो जाएगा, भारत और राजस्थान में कांग्रेस सरकार का सफाया हो जाएगा। तो भारत और राजस्थान से कांग्रेस बिल्कुल सफाया हो जाएगा, ये तमाम बातें सतीश पूनिया ने आज सभा में कही थी। उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी ने तेजा फिल्म की माधुरी दीक्षित की तरह 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 गाना गाया था, किसानों के कर्ज माफ करने की घोषणा की थी लेकिन आज तक कर्ज माफ नहीं किया गया प्रदेश में। इधर सैकड़ों संख्या किसानों ने आत्महत्या की, गहलोत सरकार गायों की हत्यारी है। बीजेपी मांग करती है कि जिन किसानों और पशुपालकों की गायों की मौत हुई है उन्हें 50,000 रुपए का मुआवजा दिया जाए। तमाम जो कार्यकर्ता है प्रदेश भर के कार्यकर्ता वो यहाँ पर अपने प्रदेश कार्यालय से सीधे यहाँ पर एक तरह से कहें कि विधानसभा कूच को लेकर यहाँ पर 22 गोदाम सर्किल पर रोक दिया गया है। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया यहाँ पर बैरिकेड पर चढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर पुलिस के बीच तमाम जो कार्यकर्ताओं की है वो कसमकस देखने को मिल रही है, हाथों में विरोध स्वरूप तख्तियां लिए हुए यहाँ पर तमाम कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का झंडा लिए यहाँ पर तमाम कार्यकर्ता हैं, वो सड़कों पर रोकते हैं और कैसे भी करके राजस्थान सरकार की आंख खुले, किस तरह से राजस्थान में लंपी का कहर जारी है,
किस तरह राजस्थान में यहाँ पर कानून व्यवस्था है, चौपट है, इन तमाम मुद्दों को लेकर एक तरह से कहें कि भारतीय जनता पार्टी इन मुद्दों को भुनाने में जुटी हुई है। और प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के साथ आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह बैरिकेड पर खुद प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर एक तरह से कहें कि चढ़े हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि उनको तकलीफ जरूर हो रही है, लेकिन तमाम इन मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने का जो प्रयास है इनकी ओर से भरसक किया जा रहा है। तमाम जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर एक तरह से कहें कि सरकार को घेरने के लिए यहाँ पर उमड़े हैं। हालांकि त्रिस्तरीय पुलिस का एक तरह से कहें कि घेरा बनाया गया है, कैसे भी करके इन कार्यकर्ताओं को विधानसभा तक नहीं जाने दिया जाए, इसको लेकर एक तरह से कहें कि पुलिस भरसक प्रयास कर रही है। पुलिस के साथ उनकी तनातनी की तस्वीरें सामने आ रही है, नोकझोंक होती हुई भी यहां पर आपको दिखाई दे रही है। और इन तमाम मुद्दों को लेकर जब आज कांग्रेस सरकार को यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी घेरते हुए दिखने को मिल रही है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर तनातनी की तस्वीरें अब और होती दिखाई दे रही है। जब अगले चुनाव होंगे, विधानसभा चुनाव होंगे, उन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी इन्हीं मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएगी कि किस तरह से राजस्थान में गायों पर कहर ढाया हुआ था तब सरकार कहां सोई हुई थी, जिस तरह कानून व्यवस्था चौपट थी तब सरकार कहां थी। इन तमाम मुद्दों को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी है, वो उनके कार्यकर्ता है, वो यहाँ पर सड़कों पर उतरे हुए हैं, बीच सड़कों पर उतरे हैं और कैसे भी करके सरकार की आंखों के एक तरह से कहें कि तस्वीरें ये सरकार की आंखों तक जाए, उनकी कानों तक की आवाज़ है, उनकी प्रखर आवाज़ है वो सुनाई दे। इन तमाम चीज़ों को लेकर, इन तमाम मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी अब जाकर सड़कों पर उतर रही है। एक तरफ विधानसभा सत्र चल रहा है वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर सरकार को घेरने का प्रयास कर रही है, तो दूसरी ओर सड़कों पर उतर कर भारतीय जनता पार्टी जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर यहाँ पर एक तरह से कहें कि अपनी आवाज़ है वो प्रखर बुलंद और विधानसभा तक इनकी गूंज जाए। इन तमाम चीज़ों को लेकर यह तस्वीरें आप देख सकते हैं, पुलिस के बीच तनातनी यहाँ पर आप देख सकते हैं, कार्यकर्ता एक तरह से कहें कि उनमें इन तमाम मुद्दों को लेकर रोष से, आक्रोश से गुस्सा है। और इन्हीं एक तरह से कहें मुद्दों को लेकर जब आज सरकार को घेरने का इनकी ओर से पूरा प्रयत्न किया जा रहा है कि तस्वीर देखें, राजस्थान के हालात देखें और उन हालात को एक तरह से कहें कि सरकार की आंख खुले, ऐसे में कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में आक्रोश से कुछ पुलिसकर्मी इन कश्मकश के बीच महिला पुलिसकर्मी थोड़ा हल्के से एक तरह से कहें कि हल्की चोट भी आई है। लेकिन जी फिलहाल आपने तस्वीरें दिखा रहे हैं, हमारे तमाम संवाददाता भी आपसे हर बात को बता रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें इंडिया न्यूज़ आप तक पहुँचा रहा है। लगातार भीड़ है और कार्यकर्ता जो हैं विधानसभा का कूच करने के लिए निकल पड़े हैं। लंपी वायरस को लेकर बीजेपी आक्रामक हो गई है, प्रदेश में कानून व्यवस्था किस तरीके से बदहाल है इसको लेकर आज प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के नेतृत्व में ये एक बड़ा कूच किया गया है बीजेपी की ओर से। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि राजस्थान विधानसभा में भी लंपी वायरस को लेकर आज हंगामे के आसार हैं। बुलंद कर रहे हैं, इन तस्वीरों को देख सकते हैं कि यहाँ पुलिस के थोड़े कश्मकश के बीच थोड़ी तनातनी की यहाँ पर देखने को मिली है। हम यहाँ पर जो बीजेपी के नेता है उनसे एक तरह से कहें कि बातचीत करने का प्रयास करेंगे। ये कार्यकर्ता है जिनमें आक्रोश है और पुलिस के बीच किस तरह से इनमें आक्रोश देखने को मिल रहा है, और जब यहाँ पर यह आक्रोश और तेज होता है तो कहीं मुद्दों को लेकर किस तरह से यहाँ पर देखने को मिले। हम यहाँ पर चंद्रशेखर जी से बात करना चाहेंगे। चंद्रशेखर जी क्या कहेंगे? भजनलाल जी, भजनलाल जी क्या कहेंगे? कांग्रेस ये जब तक कैनोट को करते हैं घेलास पुलिस को आगे करता है और देख रहे हैं जिस तरह से गौ माता तड़प रही है, कांग्रेस सरकार गौ माता की तरफ ध्यान नहीं दे रही है। ये गौ माता का जिस तरह से कांग्रेस देखिए किस तरह से ये देखिए ये तानाशाही सरकार का रवैया देखिए किस तरह से यहाँ पर कार्यकर्ताओं के बीच यहाँ पर कसम है माता को लेकर भारतीय जनता पार्टी है कार्यकर्ता में किस तरह से तमाम आक्रोश को लेकर आज जो भारतीय जनता पार्टी है वो यहाँ पर घेरती हुई दिखाई दे रही है सरकार को। जी गौ माता के लिए हम नहीं देंगे, गौ माता के अगर अत्याचार हुआ तो गौ माता के लिए जवाब दे दिया जाएगा। गौ माता
हमें यहीं पर रोका जा रहा है, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए बिल्कुल प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि सतीश पूनिया जब यहाँ पर बैरिकेड्स पर चढ़े हुए थे उसके बाद यहाँ पर सतीश पूनिया के जैसे कहें कि दूसरी ओर ले जाया गया है। हालांकि हम प्रयास करेंगे सतीश पूनिया तक पहुँचने का, लेकिन जो भीड़ है वो एक तरह से कहें कि यहाँ पर बैरिकेड पर चढ़ने का प्रयास कर रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं शायद थोड़ा मुमकिन संभव नहीं है, क्योंकि पुलिस का पहरा वो कड़ा है और सतीश पूनिया को मुझे लगता है कि शायद दूसरी ओर ले जा गया। आप तने तने की तस्वीर एक तरह से कह सकते हैं, साफ देख सकते हैं पुलिस के बीच वो तमाम युवा है और पूर्व एक तरह से कहें कि जो भारतीय जनता पार्टी सरकार में थे वो नेता है वो यहाँ पर उम्र है, चाहे महिला हो चाहे पुलिस हो, पुरुष हो चाहे युवा हो, तमाम जो कार्यकर्ता हैं यहाँ पर उम्र हुए, कैसे भी करके जो उनकी आवाज़ है वो इन उनकी बहरी सरकारों तक पहुँचे। क्योंकि जब राजस्थान में लंपी का कहर जब जारी है, इंडिया न्यूज इस तमाम मुद्दे को लेकर अब अपनी आवाज़ उठा रहा है, जनता से जुड़े हुए मुद्दे को उठा रहा है, लेकिन यहाँ पर सरकार है, राजस्थान की सरकार है, वो सोई हुई है और उस सोई सरकार को जगाने के लिए भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर उतरी है, विधानसभा में घेर रही है। चौतरफा घेरने का पूरा एक तरह से कहें कि रोड मैप जो बीजेपी की ओर से तैयार किया गया था, उसी रोड मैप के आधार पर आज विधानसभा कूच है जो भारतीय जनता पार्टी की ओर से किया गया है। तस्वीरें धीरे धीरे बदल रही है, क्योंकि कार्यकर्ता है वो धीरे धीरे आक्रोशित हो रहे हैं। जब इन मुद्दों को लेकर सरकार की आँख नहीं खुल रही है तो शायद अपने रूप में ये बदलाव ला सकते हैं और उसके लिए पुलिस भी तैयार है, त्रिस्तरीय सुरक्षा बनाई गई है, कैसे भी करके इनको रोका जाए और वही रोकने का प्रयास है यहाँ पर पुलिस की ओर से किया जा रहा है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं को नहीं, मीडिया को भी रोकने का प्रयास है वो यहाँ पर किया जा रहा है, क्योंकि मीडिया इंडिया न्यूज ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया, उसके बाद कुछ नेताओं की आंखें खुली, कुछ ट्वीट उसके बाद आए थे, लेकिन ट्वीट आने के बाद भी नुमाइंदा बड़ा नेता गौशाला में नहीं गया। और यदि जरूरत है, जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है, लाखों गायें संक्रमित हो चुकी हैं, हजारों गायों की मौत हो चुकी है, लेकिन फिर भी उनकी बहरी सरकार की आंख नहीं खुल रही है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी इस सरकार की आंख खोलने के लिए, इन मुद्दों को भुनाने के लिए अगले विधानसभा चुनाव में भी जाएगी। किस तरह से सरकार थी, किस तरह से कानून व्यवस्थाएं थी और इन्हीं मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं आज बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में तमाम नेताओं के एक तरह से कहेगी अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो प्रदेश स्तरीय कार्यकर्ता हो चाहे नेता हो, वो तमाम यहाँ पर जुटे हुए हैं, सड़कों पर जमीन स्तर पर हकीकत जानने के लिए यहाँ पर उतरे हुए हैं, सरकार के खिलाफ बुलंद आवाज़ कर रहे हैं। प्रयास करेंगे हम धीरे धीरे अंदर जाने की, तस्वीर और दिखाने की, तस्वीरें हालात क्या है, किस तरह से यहाँ पर कार्यकर्ता यहाँ पर बिल्कुल नारेबाजी की जा रही है। प्रयास करेंगे सतीश पूनिया से हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे, वो हमें दूसरी ओर दिखाई दे रहे हैं और हम प्रयास बिल्कुल करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष से बातचीत करने का प्रयास करूंगा, हालांकि भीड़ ज्यादा है, प्रयास करेंगे, क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के प्रमुख अगुवाई में जब कार्यकर्ता वहां पर पहुंच रहे हैं तो शायद आज करके जब यहां पर पहुंच रहे हैं तो शायद उम्मीद करते हैं कि Thank you.
तो सतीश पूनिया के नेतृत्व में आपको बता दें कि आज बीजेपी का हल्ला बोल और बीजेपी कार्यालय से लेकर विधानसभा कूच की आज बात कही जा रही है। उसके अलावा आपको बता दें किस तरीके से बैरिकेड्स लगाकर यहां पर तमाम पुलिस वालों ने आज सरकार कार्यकर्ताओं को रोकने का प्रयास किया, सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। लंपी वायरस को लेकर प्रदेश में बिगड़ते कानून व्यवस्था को लेकर सतीश पूनिया के नेतृत्व में तमाम जो कार्यकर्ता हैं सड़कों पर आज उतर आए हैं भारी संख्या में। जयपुर में नजर आपको दिखाई देगा। आपको बता दें कि विधानसभा का घेराव करना है, हम सदन के अंदर विरोध जताएंगे। ये आपको बता दें कि सड़क पर आज सतीश पूनिया के नेतृत्व में तमाम कार्यकर्ता आज सड़कों पर उतरे हुए हैं। इधर ये भी आपको बता दें कि गुलाब चंद कटारिया जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं उनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं आज सदन के भीतर भी इस पूरे मुद्दे को आज उठाया जाएगा। तो बड़ी बात आपको बता दें कि आज तमाम कार्यकर्ताओं के सहित जो राजस्थान के प्रमुख बीजेपी के चेहरे हैं वो भी आपको आज नजर आएंगे। राजस्थान में लंपी वायरस को आपदा घोषित करने की मांग लगातार यहां पर बीजेपी सरकार कर रही है और जिनके जिन्होंने अपने गौवंशों को खोया है उन्हें 50,000 मुआवजे की बात भी कही जा रही है। सीएम अशोक गहलोत को पीएम को लंपी को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की चिट्ठी लिखी गई है। उपराज्य में आपको बता दें कि राज्य में आपदा घोषित करने से किसे रोका है और तमाम बातें आज आपको बता दें कि ये बातें आज कही गई हैं और इसी को लेकर तमाम जो कार्यकर्ता हैं सड़कों पर उतर आए हैं। तो आज सुबह 11 बजे से ही बीजेपी पार्टी अपने राजस्थान प्रदेश ऑफिस से लेकर विधानसभा तक लंपी वायरस, बिजली के रेट, बिजली कटौती, बेरोजगारी, बिगड़ती कानून व्यवस्था, किसान कर्ज माफी जैसे जनहित मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने के प्रयास में जुट गई है। राज्यपाल विपक्ष पर आरोप लगाने से पहले गिरेबान में झांके देश के आपातकाल से लेकर आर्टिकल 356 के दुरुपयोग का कांग्रेस का इतिहास काला रहा है। ये तमाम बातें सतीश पूनिया ने आज सभा के दौरान कहते नजर आए हैं। तो प्रदेश में लंपी से जो पीड़ित गौवंश हैं उनको कम से कम सहायता मुहैया कराई जाए, उनको आर्थिक सहायता दी जाए, 50,000 रुपये दिए जाए। तो एक एक का जवाब सदन के अंदर और बाहर देना पड़ेगा। सरकार को ये बातें कहते नजर आए हैं सतीश पूनिया के नेतृत्व में। इस वक्त आप तस्वीर देख पा रहे हैं, सतीश पूनिया आपको नजर आ रहे हैं, तमाम मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं, तमाम कार्यकर्ता आज उनके नेतृत्व में आज बीजेपी कार्यालय से लेकर विधानसभा का घेराव करने के लिए पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा राजस्थान बीजेपी के कई बड़े चेहरे इस प्रदर्शन में आपको नजर आएंगे। तो आपको कई बड़े चेहरे नजर आएंगे। आपको बता दें कि इसमें लंपी वायरस को आपदा घोषित करने की बात कही जा रही है। आपको बता दें कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के नेतृत्व में ये जुलूस निकाला जा रहा है और इसमें प्रदेश पदाधिकारी, जयपुर संभाग के टोक सवाई माधोपुर से बीजेपी के नेता, पार्टी के सभी 7 मोर्चा यानी कि इसमें किसान, बीजेपी किसान मोर्चा शामिल है, युवा मोर्चा शामिल है, महिला मोर्चा शामिल है, ओबीसी मोर्चा है, एससी एसटी मोर्चा है, अल्पसंख्यक मोर्चा के तमाम पदाधिकारी हैं, उनके कार्यकर्ता हैं और सांसद घनश्याम तिवारी, रामचरण बोहरा, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चौधरी, पूर्व विधायक सुरेश पारिक, मोहनलाल गुप्ता, ये तमाम बड़े बड़े चेहरे आपको नजर आएंगे। देखिए अभी 3 तस्वीरें जहां बीजेपी का प्रदर्शन की शुरुआत लगभग 11 बजे से हुई थी। सबसे पहले सभा का आयोजन हुआ, प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने मंच से हुंकार भरी कि यहां से लेकर यानी कि प्रदेश कार्यालय से लेकर विधानसभा का घेराव किया जाएगा और उन्हीं के पदचिन्हों पर तमाम कार्यकर्ता चलते नजर आए हैं। देखिए उसके बाद तमाम कार्यकर्ताओं का गुस्सा किस तरीके से हाथों में तख्ती, बैनर, पोस्टर, झंडे लेकर सड़कों पर नजर आए हैं तमाम कार्यकर्ता। और आज फोम आता है बड़ी संकट में है, जबकि 2018 में शराब पर और स्टाम्प ड्यूटी पे सेस लगे के जो यहाँ राजस्थान सरकार में जो टैक्स करोड़ों रुपए जमा हुआ है उसका एक पैसा ये खर्च नहीं कर रही है, नहीं तो कोई गौशाला दे रही है, नहीं जो गाय जो इस लंबी बीमारी से ग्रस्त है उनको कोई सहायता दे रही है। देखिए भावुक हो रही है साथ साथ में, क्योंकि यहाँ पर जो लंबी का कहर है देखने को मिल रहा है। आप भी किसान हो, घर में गाय होगी, आसपास पड़ोस में गाय होगी, कोई गाय संक्रमित हुई है, कईयों की मौत होगी, सरकार का एक भी नुमाइंदा कोई आंकड़े जारी करने के लिए वहाँ पर आया कि हम यहाँ पर आपकी चिन्हित कर रहे हैं, और फिर ये आंकड़े कहाँ से आ जाते हैं? फिर आज तक कुछ भी नहीं है, कोई भी सरकारी नुमाइंदा नहीं है। फिर जो आंकड़े पेश कर रहे हैं वो क्या है? ये सब झूठे वाली बोल है। देखिए ये सरकार का आईना दिखा रहे हैं, क्या कहेंगे
घर में गाय संक्रमित हुई होगी आप? हुई है ना, मेरी गाय संक्रमित हुई है, मैंने 10 बारी कॉल किया है लेकिन कोई सरकार का कोई भी एक कंपाउंडर तक भी वहाँ पे नहीं आया। मेरी 1 लाख की गाय थी, वो संक्रमित होकर खत्म होगी और हजारों गायों रोड पे पड़ी हुई है, उनको दफनाने की भी उनके पास इस सरकार के पास व्यवस्था नहीं है। जिंदा कराने की तो क्या व्यवस्था है लेकिन उनको दफनाने की भी व्यवस्था नहीं है और हमारी गाय सैकड़ों की तादाद में संक्रमित होती हुई जा रही है। इंश्योरेंस कराने की भी इनके पास में कोई व्यवस्था नहीं है। देखिए ये विरोध है और कहीं ना कहीं ये दर्द है और जो दर्द भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं इसी दर्द को सरकार से घेरने का प्रयास कर रही है। कैमरा सहयोगी निर्मल के साथ विशाल शर्मा, इंडिया न्यूज, जयपुर। तो फिलहाल आपने देखा ये 3 तस्वीरों के जरिए हम आपको समझा रहे हैं किस तरीके से आज राज्य सरकार के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल, किस तरीके से लगातार प्रदर्शन राजस्थान की राजधानी जयपुर में हो रहा है और इसी के साथ साथ तमाम देखिए कार्यकर्ता जो हैं सतीश पुनी आपको नजर आ रहे हैं, इसमें बड़े चेहरे भी आपको दिखाई दे रहे हैं, तमाम कार्यकर्ता पुलिस उनको रोकने का लगातार प्रयास कर रही है और विधानसभा की ओर कूच करते हुए तमाम कार्यकर्ता आपको नजर आ रहे हैं। तो देखिए एक ऊंच करता हुआ फोटो जो आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, राज्य सरकार के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोले तमाम कार्यकर्ता। सरकार हमें नहीं चाहिए राजस्थान के रोज से, रोज के बाद यहाँ पर तमाम कार्यकर्ताओं का पुलिस की ओर से खदेड़ा जा रहा है। तमाम जो कार्यकर्ता है क्या कहेंगे, क्या कहेंगे गौ माता, गौ माता जिस तरह से राजस्थान सरकार में ना तो गौ माता सुरक्षित है और ना व्यक्ति सुरक्षित है। कोरोना काल में 7.5 करोड़ जनता का अहन करने का काम इस गहलोत सरकार ने किया, अभी तड़प तड़प के मर रही है। ये गांधी गौ किसी का प्रकरण है, इसमें भी CBI जांच नहीं कर रही है क्योंकि सरकार केवल गुटबाजी में चल रही है, तुष्ट काम में चल रही है। हमने सबसे पहला मुद्दा उठाया, छाती ठोक के कहते हैं गौ माता को लेकर इंडिया न्यूज ने मुद्दा उठाया था इंडिया न्यूज का मैं धन्यवाद देता हूं। और अभी भी हत्यारे बाहर है, CBI जांच होनी चाहिए। जिस तरह से गौ हत्या हो रही है, जिस तरह से उदयपुर के अंदर कन्हैया की हत्या हुई, उस तरह से गौ माता की भी हत्या हो रही है। ऐसा आपके घर में गए होगी, आस पड़ोस में गए होगी, एक भी नुमाइंदा सरकार का आपके पास कोई आंकड़े लेने के लिए पहुंचा? कोई नहीं पहुंचा। फिर कोरोना के तहत जो आंकड़े जारी किए गए थे फिर वही आंकड़े? फर्जी आंकड़े एकदम। और सरकार तो आपसे गुट में बंटी हुई है, सोनिया और राहुल के चक्कर काट रही है लेकिन यहाँ पे गौ माता किस तरह तड़प तड़प के मर रही है। इतना भ्रष्टाचार हो रहा है, खुलेआम धमकी दी जा रही है, अलवर में कत्ल करने की धमकी दी जा रही है। हम इंडिया टीवी से न्यूज करेंगे कि CBI जांच करे, राजस्थान सरकार न्याय दे, राजस्थान सरकार गौ माता को न्याय दे, राजस्थान सरकार। देखिए हमारे साथ महिला भी है, राजस्थान में कानून व्यवस्था एक तरह से आगे चल चुकी है, आप महिला हैं, लंपी का भी देख रहे हो, आप गौ पालन करते हो, घर में आपकी भी गायें होगी, क्या सरकार कब आंख खुलेगी? फिर एक साल ही बचा आपको। ये गहलोत सरकार पूरी तरह से विफल हो चुकी है, ना गौ माता की रक्षा कर सकती, ना महिलाओं की रक्षा कर सकती, ना ही आम जनता की रक्षा कर सकती। और आज ये जनता जनार्दन जो सड़कों पे आई है गहलोत सरकार के पूर्ण रूप से फेल होने के बाद आई है। हम सरकार से मांग करते हैं कि हमारी गौ माता की रक्षा करें, हमारे धर्म और संस्कृति की रक्षा करें। आम जनता के साथ साथ महिलाओं के साथ होने वाले दुराचारों पर सरकार सजगता से कड़ी कानून व्यवस्था करके इन दुराचारों को रोके, नहीं तो अब आगे चलते सड़कों पर उतरे हैं और अब गिरफ्तारियां दी है। तमाम जो पुलिस की गाड़ियां हैं 4 से 5 गाड़ियां हैं जिनमें गिरफ्तारियां दी गई है, अलग अलग कार्यकर्ताओं में। यहाँ पर किसान मोर्चा प्रदेश मंत्री उनको बैठ लगा। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं जयपुर से, जहां आप देख सकते हैं प्रदर्शन किया जा रहा है बीजेपी द्वारा, सतीश पुनिया को हिरासत में ले लिया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस समय की जहां जयपुर से लाइव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि राज्य सरकार के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल किया जा रहा है। आपको बता दें कि विधानसभा में भी लंपी वायरस को लेकर के हल्ला बोला गया, हंगामा देखने को मिला। वहीं ये कुछ तस्वीरें जहां एक बार फिर से हल्ला बोला जा रहा है, जिस तरीके से लंपी वायरस लगातार बढ़ रहा है। इसी को लेकर के यहां पर राज्य सरकार के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल शुरू हो गया है। हालांकि यहां पर सतीश
पूनिया को हिरासत में ले लिया है। प्रकृति कानून व्यवस्था को लेकर के प्रदर्शन हुआ है। महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं, महिलाओं पर जो सुरक्षित नहीं है महिलाएं, उसको लेकर के भी यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है। लंपी बीमारी जिस तरीके से बढ़ती हुई नजर आ रही है, उसको लेकर के भी यहाँ पर जोरदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। हालांकि सतीश पूनिया को हिरासत में ले लिया है पुलिस ने। यहाँ गाड़ियां भी आप देख सकते हैं, पुलिस की जीप भी यहाँ पर मौजूद है। हालांकि भारी तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद हैं, कार्यकर्ता मौजूद हैं, नेता मौजूद हैं। ये देख सकते हैं आप, जहां नारेबाजी भी हो रही है, नारेबाजी की जा रही है। और यहां ये गाय को लेकर के यहाँ पर अब प्रदर्शन हो रहा है। जिस तरीके से लंपे वायरस फैलता हुआ नजर आ रहा है, गाय मर रही हैं, काफी भारी तादाद में, काफी मात्रा संख्या में यहाँ पर गायों की मौत हुई है। इसको लेकर के यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है। और अब राज्य सरकार को घेराव किया गया है, राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है ये। और ये जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला, ये देख सकते हैं बीजेपी के नेता यहाँ मौजूद है, बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद हैं। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं इंडिया न्यूज के माध्यम से, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जहाँ नारेबाजी भी हो रही है, लाइव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं इस समय की। तो इंडिया न्यूज की तरफ से एक्सक्लूसिव तस्वीरें, तस्वीरें आप देख रहे हैं जहाँ कार्यकर्ता मौजूद हुए हैं। यहाँ मंच भी बनाया गया है यहाँ पर, और कार्यकर्ता उपस्थित हुए हैं यहाँ, और साथ ही कुछ नेता भी यहाँ मौजूद हुए हैं। भारी तादाद में यहाँ पर लोग उपस्थित हुए हैं। तो देख सकते हैं आप सतीश पूनिया को, हालांकि यहाँ पर हिरासत में भी ले लिया है उनको। तो लंपी वायरस लगातार बढ़ रहा है, उसी को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। तो राज्य सरकार के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल, बीजेपी ने विधानसभा का कूच किया, विधानसभा में भी कार्यवाही के दौरान इस मामले को रखा गया, लंपे वायरस को लेकर रखा गया, और साथ ही तमाम बातें साझा की, और विधानसभा की कार्यवाही में भी हंगामा देखने को मिला बीजेपी की तरफ से। और अब बीजेपी सड़क पर आ गई है, यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है। देख सकते हैं आप यहाँ पर राज्य सरकार के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इंडिया न्यूज की तरफ से, जो कि बहुत ही बड़ा ये प्रदर्शन देखने को मिला है। भारी तादाद में यहाँ पर लोग इकट्ठा हो गए हैं, और लंपी वायरस जिस तरीके से गायों में फैलता हुआ नजर आ रहा है, उसको लेकर के यहाँ प्रदर्शन हो रहा है। मौत हो चुकी है, उसके बाद राजस्थान में कानून व्यवस्था किस कदर चौपट है, इन तमाम मुद्दों को लेकर प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के नेतृत्व में प्रदेश स्तरीय जो नेता है, कार्यकर्ता है, उन्होंने प्रदेश कार्यालय से विधानसभा की ओर कूच किया था, लेकिन उनको 22 गोदाम सर्किल पर रोक दिया गया। और उसके बाद तमाम जो कार्यकर्ताओं नेताओं ने यहाँ पर गिरफ्तार दिए। यहाँ पर जो जो पुलिस वाहन आपको दिखाई दे रहे हैं, इनमें जो प्रदेश स्तरीय नेता और कार्यकर्ता है, उन्होंने गिरफ्तार दी है। आतंकवाद के विरोध स्वरूप यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया को आप देख सकते हैं, आगे दिखाई दे रहे हैं आपको, सबसे आगे दिखाई दे रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पर जो कार्यकर्ता है वो सड़कों पर उनके बीच में दिखाई दे रहे हैं, किस कदर यहाँ पर विरोध है वो देखने को मिल रहा है, सरकार के खिलाफ यहाँ पर ऐसे ही करके यहाँ पर कार्यकर्ताओं को रोकने का है वो यहाँ पर प्रयास जो है वो वहाँ पर पुलिस द्वारा किया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच यहाँ पर बड़ी सुरक्षा होने के बाद भी तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली थी।
सतीश पूनिया से एक बार फिर बातचीत करने का यहाँ पर प्रयास करते हैं। पूनिया जी, क्या कहेंगे सरकार के इस विरोध को लेकर? क्या कहेंगे? अशोक गहलोत की सरकार लोकतंत्र की आवाज को दबाना चाहती है, दमन करना चाहती है। बात लोकतंत्र की करते हैं पर तानाशाही पर है। राजस्थान के हजारों हजार कार्यकर्ताओं पर इसी तरीके से दमन चक्र चलाया, उन पर मुकदमे बने। हम लोग किसानों के हक के लिए, नौजवानों के हक के लिए, महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए पहले भी लड़े थे और अभी भी लड़ेंगे। किस तरह से अब आपने गिरफ्तारी दी है, तमाम कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारी दी है, किस तरह से पुलिस का बल देखने को मिल रहा है, रोकने का प्रयास किया जा रहा है, आवाज को दबाने का प्रयास है? ये दमन चक्र है लेकिन हम न झुकेंगे न रुकेंगे। बिल्कुल ना रुकेंगे ना झुकेंगे। और इसी आवाज को बुलंद करते हुए प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के नेतृत्व में तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर अपनी आवाज बुलंद करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। और इंडिया न्यूज किस तरह से इस मुद्दे को प्रकट उठा रहा है, गायों का कहर को उठा रहा है, और इन्हीं मुद्दों को लेकर आज सरकार को घेरने का जो प्रयास है बीजेपी की ओर से वो किया जा रहा है। जी देखने को मिल रहे थे वो यहाँ पर पार्टी बिखरे नहीं और एकजुट होकर यहाँ पर काम करती हुई नजर आए। क्योंकि केंद्र के जो नेता है उनको सीधे तौर पर निर्देश है प्रदेश के नेताओं को कि क्योंकि साल भर ही है, चुनाव में काफी कम समय है, एकजुट होकर काम करना होगा, तभी जाकर 2023 का चुनाव वो प्रदेश में बीजेपी की सरकार बना पाएंगे। और यही जो आज जो प्रदर्शन है इससे ऐसा लगता है कि भाजपा अब जो है एकजुटता दिखाने की यहाँ पर पूरी कोशिश कर रही है। हालांकि जो पूर्व मुख्यमंत्री है वसुंधरा राजे वो इस प्रदर्शन में नहीं आ पाई है किसी कारण की वजह से, लेकिन हाँ प्रदेश के जो आधे से ज्यादा जो सांसद थे वो इस प्रदर्शन में साफ तौर पर मौजूद होते हुए साफ तौर पर देखने को मिले। तो मान सकते हैं कि आज जो भाजपा का है 2023 का जो है आगाज वो इस प्रदर्शन से, इस एक बड़े प्रदर्शन से यहाँ पर शुरू हो चुका है। पिछले दिनों जो केंद्रीय मंत्री अमित शाह का भी जोधपुर का दौरा था उसमें अमित शाह भी कहते हुए नजर आए थे प्रदेश के तमाम नेताओं को, चाहे सतीश पूनिया हो, चाहे वसुंधरा राजे हो, चाहे गुलाब चंद कटारिया हो, चाहे उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर, सभी को निर्देश थे कि एकजुट होके काम करे, 2023 में पूर्णतः सरकार बनानी है, आपस में झगड़े खत्म करें। तो सीधे तौर पर जो केंद्र के नेताओं का निर्देश है वो प्रदेश के सभी नेताओं को यहाँ पे दे दिया गया है। एक बड़ा प्रदर्शन प्रदेश में जिस तरीके से जो गायों की हालत है, पूरे देश में जो हिंदू रीति रिवाज में गायों को माँ माना जाता है, उस माँ को बचाने की कवायद यहाँ पर आपको ही नहीं, हमको ही नहीं, सभी को करनी होगी। क्योंकि प्रदेश में जो किसानों की हालात है वो काफी खराब हो चुके हैं और जो किसान है जो दूध बेच के जो अपना घर का गुजारा करते थे उससे पूरी तरीके से यहाँ पर अब दूध जो बेचना है वो यहाँ पर बंद हो चुका है क्योंकि लंपी रोग जो है गायों में पूरी तरीके से फैल चुका है। आज उसी को लेकर जो भाजपा है आज यहाँ पर प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। तो मान सकते हैं कि 2023 के लिए एक बड़ा आगाज